जिसकी सदारत मुशीर अहमद बदर साहब कर रहे हैं, मैं उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा हूं और मैं 35A पे ये कहना चाहता हूं कि जो 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी जा रही है, हम उसके खिलाफ यहां पे प्रताप पार्क में भी अभी प्रोटेस्ट हो रहा है। जो हमारा प्रोग्राम जो 27-28 ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी ट्रेडर हो, दुकानदार हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, टूरिज्म से वाबस्ता हो, शिकारे वाले हो या किसी भी तबके से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी सोसाइटी से जो भी तबका है वो इसमें शामिल है। और हम चाहते हैं कि जो 35A पे जो ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई, चाहे वो एनजीओ के थ्रू उसमें सुनवाई वहाँ पे पिटिशन दायर किया गया है, चाहे किसी और ने वो दायर किया है, हम उसको कतई नहीं मानेंगे और हम तैयार नहीं है। अगर हमारे 35A जो आर्टिकल है ये हमारी स्टेट सब्जेक्ट का सेफ गार्ड है, 370 धारा का सेफ गार्ड है और हम स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो हमारा है हम इसको कभी खोने नहीं देंगे और ना हम इस पे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। अगर इसके साथ 27 तारीख को छेड़खानी हुई, अगर इसके साथ कोई भी इस पे कोई भी वार सुप्रीम कोर्ट में हुआ और अगर इसके खिलाफ वहाँ पे सुनवाई हुई, जम्मू कश्मीर स्टेट में खून की नदियाँ बहेंगे। हम यहाँ पे बच्चा बच्चा, बूढ़ा जवान, औरत मर्द जन तमाम तबके तैयार है। हम अपने घरों से निकलेंगे और सड़कों पे आएंगे क्योंकि हमारे पास जो जम्मू कश्मीर की जो शिनाख्त है वो यही 370 और 35A ही है। इसके अलावा कश्मीर में क्या बचा है? अब आप लोग इसके ऊपर भी हमारे ऊपर हावी हो रहे हो, हम इसको कतई इस पे आपको हावी होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा। हम ये हमारी तरफ से यही आवाज है, हम तमाम लोगों को यहाँ से ये इस प्लेटफॉर्म से जो 28 ऑर्गेनाइजेशन का है और इसमें सिविल सोसाइटी भी है, हम यहां से यही पैगाम देना चाहते हैं लोगों को, अगर 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इसके साथ छेड़खानी हुई, इसको ब्रेकअप किया गया या इसके साथ कोई भी इसको अल्ट्रेशन की गई तो यहां पे जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी और यहां पे एक भारी एजुकेशन शुरू हो जाएगी।